अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। अगर तो जी आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो लो देख लें, जिसमें हम पहुँचे थे पंजाब। तो ये जी हमने जहाँ रूम लिया था वहाँ से बाहर के कुछ मनाजिर हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात हुई कि जब हम पहुँचे तब तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन एक दिन बाद दरमियान में बारिश होती रही और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो आज जी हमारा इधर एक फार्म हाउस जाने का प्रोग्राम था। बच्चे सो के उठ गए तो कुछ मैंने ब्लू वाइट इस तरह की ना कोई थीम रखी अपनी फैमिली की, तो इन दोनों के तो मैंने कपड़े निकाल लिए थे और अपना मैंने जो कोट निकाला था वो भी था ब्लू और वाइट, और इनका भी जो है ना एक मैंने ब्लू सूट प्रेस कर लिया था। कपड़े ब्लू पहनने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो नज़र तो आने नहीं थे, और दूसरा ये कि मैंने असल मकसद ये होता है कि इस तरह की थीम बनाने का या एक जैसे कपड़े पहनने का कि तस्वीरें जो है ना अच्छी आ जाएँ। तो वहाँ तकरीबन पूरे दिन कोट ही पहन के रखना था, इस वजह से मैंने जो है ना कंट्रास्ट कोट के साथ किया। और जी हम पहुँच चुके हैं यहाँ। अब फार्म हाउस हमारे साथ असल में तीन चार फैमिलीज़ थी, दो तो आपको पता है कि हम दो सिंध से आई हैं और दो यहाँ के मकामी थे जिन्होंने इस फार्म हाउस की इजाज़त ली थी। तो सबसे पहले इंटर होते साथ ही, अच्छा यार पंजाब की इस जगह जहाँ हम गए थे बड़ी अच्छी ज़मीन है, जामुन के दरख्त आपको लगे हुए थे और उसमें जामुन इतने ज़्यादा थे, चीकू बहुत थे, लीमू थे, अनार बहुत थे, मतलब जो फ्रूट मुझे लग रहा था कि यहाँ हमने देखा है ना जो भी पौधा लगा हुआ वो सारा फलों फूलों से भरा हुआ था। तो इंटर होते सारी जी एक तरफ पूरा बागीचा था लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक बहुत प्यारा सा पूल और अंदर जो है ना गेस्ट हाउस बनाया हुआ था जिसके पीछे भी इस तरह ही ग्रीनरी थी, और साइड पे उन्होंने किचन टाइप दिया हुआ था कि अगर किसी ने बारबेक्यू वगैरह करना है तो वहाँ हमने ले जा के जी अपनी बिरयानी रख दी थी। और ये एक छोटा सा हट टाइप था, यहाँ बच्चे वगैरह ने कपड़े वगैरह चेंज किए और अपनी चीज़ें सुखाने के लिए रखी हैं। तो काफ़ी जो है ना अच्छा मौसम था, और इत्तफाक ही ऐसा हुआ कि एक दो दिन पहले शदीदम गर्मी थी और जिस दिन हमने यहाँ आना था फार्म हाउस उस दिन बहुत ही अच्छा मौसम था। हम तकरीबन 12 बजे पहुँच चुके थे और ये 1 बजे का टाइम है और आपको कहीं भी धूप नहीं नज़र आ रही। अच्छा, मैं आपको ये पाउच सा दिखा रही थी रेड कलर का, ये वाटरप्रूफ है, जैसे अगर आप पूल वगैरह में भी मोबाइल लेके जाते हैं तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए तो इसमें बिल्कुल पानी जाने का ख़तरा नहीं होता। तो मिन्हा और मिन्हा की दोस्त जो है ना वो तो उनकी वॉक नहीं ख़त्म हो रही थी, वो कभी पानी में चली जाती थी और कभी उन्हें बहुत जल्दी ठंड लगने लग जाती थी, तो वो दोनों बाहर आके ना फिर कपड़े चेंज करके आराम आराम से अपना ही खेलती रहती थी। तो ये जो दो नन्नी परियां थी ना इन्होंने खूब इंजॉय किया। खैर लड़कों ने तो किया बच्चों ने, लेकिन वो पूल से बाहर ही नहीं निकले जो बच्चे थे। इधर से पिछली वीडियोस की जो है ना मैं आवाज़ बिल्कुल म्यूट नहीं कर रही, तो आप देखें कि फुल टाइम ना वो मस्ती लगी हुई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मिन्हा और फायज़ा, ये मिन्हा की दोस्त का नाम है फायज़ा, तो ये दोनों जो है ना अपने बाबा या चाचुओं साथ ही पूल में थी, अगर ये अंदर जाती थी तो कोई इनको पकड़ लेता था, अदरवाइज़ अगर किनारे पर बैठी होती थी तो हम भी देख लेते थे। तो इधर जी हाथ एक डर डर के कर रहा है जंप ही। ये जो छोटी दो थी ना इन्होंने सही परेशान किया हुआ था, जैसे इनका दिल जाता था पूल में भाग जाती थी और जैसे ठंड लगती थी तो बाहर आके फौरन रोने लग जाती थी कपड़े चेंज करो। इधर जी आपको आवाज़ों से पता ही लग रहा होगा कि भूख लग गई थी और बिल्कुल खाने का टाइम हो गया था, तो बस हमने बच्चों को जो है ना खींच खींच के पूल से निकाला है कि आप खा के दोबारा चले जाइएगा। और एक जो चटाई हम अपने साथ लाए थे वो बिछा के हम उसमें सामान रखने लग गए। जो बच्चे नहाए थे पानी में, आपको पता है कि नहाने से मतलब पानी में जाने से काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो उन्होंने तो फ़ौरन ही खाना शुरू कर दिया था। और बाकी जो औरतें थीं उनका काम था तकसीम करना, तो सब ने किया तकसीम और मैंने सिर्फ बनाई वीडियो, और बाकी सबको जो है ना मर्द हजरात को अलग डिस्ट्रीब्यूट किया था, और ख़ुद हम लोगों ने ना इस बच्चों साथ बैठ के इधर चटाई में ही खाना खा लिया था। खाने में जी चावलों के साथ साथ आम भी थे जो कि कटिंग करके ना अब जो है पेश किए जा रहे हैं सबको। खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी तो हमने सोचा हम भी थोड़ी बहुत तस्वीरें या रील्स वगैरह बना लें, तो बस थोड़ी सी बागीचे से गुजरते हुए तस्वीरें बनी हैं। और उसके बाद जी हमारी बारी थी, मतलब कि औरतों की टर्न आ गई थी पानी में जाने की।
यहाँ ना तीन स्टेप्स बने हुए थे। जो फर्स्ट स्टेप था ना, जहाँ आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सही पानी था। मतलब कि ये बच्चों की भी ना सिर्फ जो हैं वो कमर तक कवर हो रही थी, और जो उसके बाद वाला स्टेप था उसमें बच्चे जा नहीं सकते थे क्योंकि वो पूरे डूब रहे थे, और उससे आगे वाला स्टेप में वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों का था। तो बस खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने भी पानी में इंजॉय किया, और निकलते निकलते कि हमें मगरिब का टाइम हो गया था, सबको भेज के मैं शुरू में इस तरह पूल की वीडियो नहीं बना सकी थी, तो फिर मैंने निकलते निकलते थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई है, और नो डाउट बहुत ही मज़ा आया। मौसम ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, और जिन लोगों ने फार्म हाउस की इजाज़त ली थी उनका तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फार्म हाउस पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ था, ये उसकी बाहर की दीवार भी देख लें, बड़ी अच्छी जो है ना गार्डनिंग की हुई थी, और बहुत ही मज़ा आया यहाँ जाके। पूरा दिन कहाँ गया हमें कुछ पता नहीं चला। हाँ अलबत्त हम थक बहुत गए थे, और यहीं से मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जी और भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं घूमने फिरने के जो मैं नेक्स्ट अपलोड करती रहूँगी। टिल देन मुझे दें इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब।